असल वरम्ब वरक सीरतुलनबी सल्ला वसलम किस्त नंबर ग्यारह अब रहा के हाथी को उठाने के मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह अब ताला ने अबीलों को भेज दिया वो टिटियों की झुंड की तरह आईं दूसरी तरफ अब्दुल अब्दुलमतले मक्का में दाखिल हुए हरम में पहुँचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़ कर और उसके لشکر के ख़िलाफ़ फ़तः की दुआ मांगी उनकी दुआ के अल्फाज ये थे ए अल्लाह ये बंदा अपने काफले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है तो अपने घर यानी बेतुल्ला की हिफाजत फरमा अब रहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं आज सलीब कामयाब न हो सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ देकर चलते हैं अब उन्होंने अपनी कौम को साथ दिया और हेरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था वो अब रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिए ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के तीन तीन टुकड़े थे ये पत्थर परिंदों ने अबरा के लश्कर पर गिराने शुरू किए जो ही ये पत्थर उन पर गिरे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं अब रहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कनकरियों से महफूज रहा बाकी सब हाथी थस नस हो गए ये हाथी तेरा अदद थे सब के सब खाए हुए नहुसत के मानद हो गए जैसे कि सूरह फील में आता है अब रहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देख भागे लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा अब रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिसम का एक एक उज अलग होकर गिरता चला गया यानी वो भाग रहा था और उसके जिसम का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था दूसरी तरफ हजरत मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है

आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफा पहाड़ी के करीब था नाजरीन मोहतरम ये बेहतरीन सिलसिला जारी है लिहाजा किश नंबर बारह देखना हरगिज़ न भूलें